Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So, हैली आपका कैसा रिस्पांस था जब आपने रिस्पांस देखा ऑडियंस को, कितना ऑडियंस आपको प्यार दे रहे हैं ये सोचते नहीं थे? I think everybody is very happy. I am also very happy with the kind of response and the kind of love that we're getting. It's insane because सिर्फ एक महीना I think हुआ है, एक महीने से कुछ दिन ज़्यादा, and जितना प्यार और जितना सपोर्ट हमें मिल रहा है, I think we all are very grateful. So, जब कैरेक्टर की बात किया जाए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जब आपको ये रोल मिला था और आपने ये रोल के लिए क्यों हारा है? बहुत बार एक तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ, बट हाँ, सी इट्स अ थ्रिलर शो एंड आई नेवर डन अ थ्रिलर शो एंड दिस इज वन काइंड ऑफ जॉनर दैट आई लव वॉचिंग द मोस्ट. And any which ways, first season was a hit. It was loved by so many people. कुछ टाइम हाँ. And जब मेरी इस शो के लिए बात हो रही थी, I think तभी से I was quite excited because I thought that I would get to explore something different. Since it's a thriller show, so बहुत सारी अलग चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी and there's going to be a lot of layers and stuff for the character also. So, you know what, COVID-19 में शूट करना एक बात हुई थी with precautions हो रहे हैं, सर्च को सैनिटाइज हो रहे हैं, then तो आपको कुछ डर रहता है मन में during shooting or going for shooting? हाँ, एवरी डे यू नो जब मैं घर से निकलती हूँ एक रहता है थोड़ा सा डर, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी कि वो उतना डर रहना चाहिए बिकॉज तभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहूँगी, ज़्यादा मैं प्रिकॉशंस लूँगी. एंड ऐसा नहीं है कि चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी है, जिन यू नो कि कोविड बिल्कुल नहीं है. ऑफकोर्स है, बहुत ज़्यादा है अभी और बढ़ रहा है, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू यू नो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड हैव अ लिटिल फियर. आई फील इट इज कम्प्लीटली ओके. सो सेट पे कैसा माहौल होता है जब आपको न्यूज आता है कि जितने सेट पे COVID-19 था, कोई पॉजिटिव पाया गया है, क्या सेट पे तब और प्रिकॉशन बढ़ जाते हैं? मैं अपनी तरफ से यार जितना हो पाता है मैं करती हूँ. मतलब मैंने इतना हैंड सैनिटाइज अपनी जिंदगी में नहीं किया. आई एम श्योर एवरीबडी विल अग्री विद मी दैट हमने हमारी लाइफ में इतने हैंड सैनिटाइज हैंड वॉश नहीं किए जितने अभी हम कर रहे हैं. बट एंड आई थिंक नॉट जस्ट हैंड्स बट एवरीथिंग, लाइक व्हेन आई एंटर द रूम पूरा रूम सैनिटाइज मेरे सामने फिर एक बार होता है. एक सेकेंड, आ जाओ पूजा. सारी चीजें, इनफैक्ट कॉस्ट्यूम से लेके मेरी ज्वेलरी सब कुछ स्टेरिलाइज होता है. सारी चीजें होती है डोर नॉक से लेके, मतलब यू नेम इट एंड यू नो इट्स देयर लाइक इन दैट लिस्ट. सो हाँ, तो सेट पे भी वैसे ही माहौल रहता था जैसे कि पहले सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, लंच टाइम हो या साथ में बैठे एक ही रूम में रहते थे, टाइम एंजॉय करते थे. नहीं, उतना नहीं हो पाता है जितना हम पहले करते थे लाइक की लॉकडाउन, बट आई वोंट से कि बिल्कुल नहीं होता है. ऑफ कोर्स जैसे कभी मन कर गया कि यू नो यार साथ में बैठ के लंच करेंगे, मन कर गया सो मैं चली जाती हूँ या फिर कोई आ जाता है रूम में, मोस्टली इट्स मी. तो ऐसा नहीं है जैसे आज मैं हम तीन लोग ही थे साथ में तो हम तीन लोगों ने साथ में लंच किया, ऐसा नहीं है. सो बट हाँ, अगर आप वो सारी चीजें भी कर रहे हो आपको केयरफुल रहना है. ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें छोड़ दोगे, भूल जाओगे कि नहीं भाई कोविड है, सो नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, नॉट लाइक दैट. बट इवन इफ यू डूइंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? अच्छा, सो आपके फैंस बहुत सारे मैसेजेस भेजने के लिए कुछ देना जी, तो अभी तो आए
फैंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहूंगी जो अभी ऑनलाइन आए हैं? कुछ मैसेज, फर्स्टली थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन, अपना वक्त निकाल के ये लाइव देखने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, एंड थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए. ऑफ कोर्स इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली वी कांट रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम, बट द लीस्ट आई कैन डू इज से थैंक यू. एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट आई गेट. एंड So you have done different characters, अलग अलग genres में भी काम किए. So कौन सा character आपके लिए अब तक most है, या क्या हर character की क्या जरूरत है? हर कैरेक्टर की आई थिंक अपनी एक अलग जर्नी रही है, एंड एवरी कैरेक्टर टॉट मी सम ऑफ द अदर थिंग, एंड हर एक कैरेक्टर मेरे करियर में कैसे यू नो टाइम पर आया है जब शायद मुझे उसी की जरूरत थी, एज इन यू नो वही प्ले करने की. आई फील लाइक व्हेन आई लुक बैक एंड बहुत कुछ सिखा गया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ माई क्राफ्ट, इन टर्म्स ऑफ इन एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड बट फेवरेट अगर मैं कहूँगी, आई थिंक आई विल से कायनात ओनली, बिकॉज शी वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, माई फर्स्ट एवर नेगेटिव कैरेक्टर. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर हर, लाइक यू नो टू प्ले हर. एंड आई थिंक या शी मतलब यार उस कायनात की वजह से मुझे कुछ नया यू नो मैंने नेगेटिव किया जो शायद लोगों ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती. व्हेन आई थिंक पीपल अप्रिशिएटेड माय वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड सो जब शो की बात किया जाए तो जब शो में इतने सारे कंसर्न्स हुए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है अब तक शूटिंग का जो अभी तक आप बहुत क्लोज हो नहीं अभी तक तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया सॉरी. जैसे कि हमने देखे कि बहुत सारे ट्विस्ट आए शो से तो कौन सा अभी तक का है एनी कोई भी सीन टफ है यार कहना, बट आई थिंक एक सीक्वेंस जो एक नहीं ऐसे बहुत सारे बोल सकती हूँ, बट देयर वाज दिस सीक्वेंस जब शादी से पहले रिद्धिमा का कबीर के साथ एक सीक्वेंस होता है घर के बाहर जहाँ पर वो कहता है उसको कि तुमको शादी करनी है. आई थिंक दैट वाज आई थिंक वो एक बहुत अच्छा सीक्वेंस था. आई रियली लाइक द फर्स्ट मीटिंग ऑफ रिद्धिमा एंड वंश जहाँ पर पार्टी में वो लोग मिलते हैं, वेरी डिफरेंट. And I can go on and on. There are so many sequences. Like the sequences between. Makeup करते हैं पहले. हाँ. The sequences between Ridhima and Vansh. अभी आगे आगे audience actually देखेगी कि बहुत कुछ interesting होता है दोनों के बीच में. बहुत interesting scenes होते हैं. So I think those are really fun. Okay, thank you, Hally, for giving me a great time. I know break is some at time, but difficult. And thank you so much. You're welcome. I'm so sorry. I didn't have much time, but people continue coming. I like your mind, Hindi. Thank you. I really like it too. बहुत सारे कॉस्ट्यूम मुझे बहुत पसंद है. I know everybody is appreciating the
कॉस्ट्यूम्स, द मेकअप, हेयर, बेसिकली एवरीथिंग, एंड वो सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, हमारी स्टाइलिस्ट को जाता है. एंड मेरे प्यारे मेकअप दादा, अगर वो होते तो मैं जरूर उनको यहाँ पर बुला के दिखाती. आई थिंक ही इज द बेस्ट, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बहुत मेहनत जाती है यार पीछे. आप व्हेन यू ऑल सी ना, कम इधर आ, मास्क मत लगा, एक मिनट दिखा दे. ये कीर्ति है, ये मेरे बाल बनाती है. थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लुक देने को. देखो थैंक यू बोल रहे अरे इको दादा, हाय बोलेंगे हम, बाय बोलेंगे. तो अब हाय बोल दो, बाय बोलने से पहले. ओ गॉड, हाय. अरे मेरी फ्रेंड मांग रही थी यहाँ से, मैसेज कर, मैं कुछ कर रही हूँ. ओके, वी हैव अ रियली बैड क्रेजी टीम, बट आप क्या कर रही हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ. This is how we work and ऐसे मस्ती करते हैं. आ जा तू भी, आ जा पूजा, आ जा. So I think that's it for now. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, guys, and thank